जय माता दी। यह नवरात्रि का व्लॉग है, काफ़ी दिनों बाद पोस्ट हो रहा है। मेरा पहला लॉन्ग वीडियो, पहला व्लॉग है। आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। माता रानी अष्टमी के दिन नहीं, नवमी के दिन हमने किया था कन्या भोजन। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेला देखने, क्योंकि नवरात्रि में बहुत अच्छा मेला लगता है। हमारे शहर में भी मेला लगभग एंड हो चुका था, क्योंकि 9 दिन भी माता रानी के एंड हो गए थे। बट हम लोग ने घूमा, मुझे बहुत शौक है पर्सनली मेला घूमने का, और मैं लेती कुछ नहीं हूँ खास, लेकिन पूरा मार्केट छान मारती हूँ। और जो सस्ता सुंदर टिकाऊ हम लेडीज़ के आते थे, वो तो हम ढूंढ ही लेते हैं। हम गए मार्केट में तो देखा कि सारा कुछ चला गया था आइटम जो मुझे चाहिए था। बट फिर भी अब आए हैं तो पति देव को थोड़ा बहुत चूना लगाना पड़ता है, तो बस ये सेल में मैं आई हूँ। यहाँ पर देख रही हूँ क्या लेना है, फिर पहले खाने पीने की चीज़ दिख जाए तो सारी चीज़ें एक साइड। और पहले गन्ने का जूस पिया हमने, यहाँ पे हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब आएगा हमारा जूस। जूस पीने के बाद फिर हम लोग को थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने के बाद हम सोचते हैं अभी और 1 घंटा हमको घूमना है मार्केट में। लेना कुछ है या नहीं वो नहीं पता, बट घूमना तो है, पूरा मार्केट यूटिलाइज होना चाहिए ना भाई। तो बस उसके बाद हम लोग जाते हैं मार्केट में घूमने के लिए। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी लॉन्ग वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। मेरे हेयर से भी आप लोगों के सवाल रहते हैं हेयर से रिलेटेड, तो हेयर से रिलेटेड भी आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे, जल्द ही पोस्ट करने वाली हूँ। और लाइव का भी मैं आप लोगों को टाइमिंग बता दूँ कि मेरा लाइव का टाइम आफ्टरनून 3 to 5 होता है और नाइट में 10 PM से रहता है। फैमिली लाइव है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर मेरे लाइव में आते हैं, प्लस बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मेरे 4K भी कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, माता रानी की कृपा आप लोगों पे भी बरसती रहे। और नवरात्रि में ही मेरा हाफ मोनो हुआ था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हनुमान मंदिर में। यह हनुमान मंदिर की ये विशेषता है कि बहुत जागरूक हनुमान मंदिर है। लोग कहते हैं यार कि लेडीज़ को हनुमान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बट मैं तो जाती हूँ पर्सनली और आशीर्वाद लेती हूँ मैं बाबा जी का। आशीर्वाद मेरी बेटी भी ले लेती है। इस तरह से हम लोग मंदिर में आए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब हम मंदिर में आते हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। सारे धर्म का और सम्मान हम करते हैं, हमारा चैनल करता है, सबका मालिक एक है। और मेरे YouTube फैमिली में भी सारे धर्म के लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप लोग बहुत मुझे मोटिवेट करते हो, हमें मोटिवेट करते हो कि हम आगे बढ़ें। और आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा लॉन्ग वीडियो पहला है, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। आप अपने टिप्स सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि हमें और क्या अपडेट करना चाहिए, आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए। उसके बाद हम लोग, एक माता रानी हमारे लिए रुकी हुई थी, मतलब विसर्जन नहीं हुआ था इनका, और जो कि बहुत प्यारी थी। तो बस हम यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्त है माता रानी की। मेरे 9 दिन के व्रत भी चल रहे थे, इस वजह से मैं नवरात्रि में ज़्यादा घूम नहीं पाई, तो बस ये लास्ट दिन कन्या भोजन वगैरह करके हम लोग शाम को निकले थे। नवरात्रि का व्रत मैंने अभी भी पारण नहीं किया हुआ था। माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और बस सूरज देखने का ही मन कर रहा था। माता रानी को ऐसा लग रहा था देखते रहो, इतनी ममता इनके आँखों में, और जाते वक्त जो उनकी आँखों में पानी आ जाता है ना देवी की, वो भी देखने लायक होता है। जैसे कि बहुत कुछ कहना चाह रही है माता रानी। अगले बरस भी जल्दी से आइए, अगले बरस क्या, आप तो 6 महीने में ही आ जाती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पे, माता रानी का भंडारा चल रहा था। हमारी कॉलोनी में ही था ये भंडारा, माता रानी यहाँ भी बैठी हुई थी, विराजित थी। हम दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो अंदर हम लोग कुछ व्लॉग वीडियो ले नहीं पाए। यहाँ पे हम लोग बस माता रानी का प्रसाद ले रहे हैं। माता रानी के प्रसाद की बात भी अलग होती है। ये देखिए सारे लोग सेवा देने यहाँ पे आते हैं, हम भी जाते हैं हमेशा सेवा देने के लिए। थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट आप जितनी सेवा दे सके, लोगों को परोस सकें। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा।